हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। मींस यू हैव एक्सेप्टेड 370, यू हैव एक्सेप्टेड 35। बड़ा सवाल ये है हमारे कि क्या अब हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट बदलते हुए चेहरे के साथ या मोदी के इंडिया के साथ डील करना, क्या हमने उसको एक रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट किया है? खत्ते की बात कर ली जाए तो एक तरफ अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इनखला जो है वो नजर आ रहा है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हैं वहां पे भी कुछ चीजें जो है वो तब्दीली की तरफ लगता है कि जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। मैं जरा नजीर रगारी साहब की तरफ चलती हूँ। रगारी साहब, पहले अगर बात हो जाए जो इंडिया पाकिस्तान का इस वक्त इशू चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी जो है यूएई तशरीफ लेके जा रहे हैं एट द इनविटेशन ऑफ द यूएई गवर्नमेंट, वहां पे दोनों मौजूद हैं और इस वक्त कयास राइयां हो रही हैं कि वहां पे कोई बैकडोर चैनल्स जो हैं वो चल रहे हैं। ये एक जरूरत है, हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन हमें हमेशा इस बात को पेश नजर रखना है कि हमारे जो कोर इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई तो कर लिया जाए ना। हमें उसको मालूम हो कि हमारे ये इश्यूज हैं और हमें मालूम हो कि हमारे ये इश्यूज जो हैं ये हल तलब हैं। कश्मीर का इशू है, पानी का इशू है, सरकरी का इशू है, या आपका सचिन का इशू है, हमारे इश्यूज क्लियर होने चाहिए और उसके ऊपर भी डायलॉग का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। ये बताओ कि हमारे बेसिक इश्यूज जो है हम उनको हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी बातें ऑन बोर्ड होना चाहिए। अचानक ताल्लुकात का शुरू हो जाना और अचानक ब्रेक हो जाना ये खतरनाक बात होती है। लोगों को भी मालूम नहीं होता है, लोग इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, लोगों की बहुत सी चीजें दांव पर लग जाती हैं। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने बंद कर दिए दरवाजे और लोग फंस कर रह गए। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने खोल दिए दरवाजे, लोग तैयार ही नहीं थे कि किसी दरवाजे खोलने के लिए। अभी आपने दो दिन पहले दरवाजे खोले, उसके बाद अगले दिन कहा नहीं हुआ भाई हमारे दरवाजे नहीं खोल रहे, हम दरवाजे अपने बंद कर रहे हैं। तो आपने दरवाजा भी बंद किया, बल्कि आप चटखनी भी लगा दी, फिर कुंडी भी लगा दी और फिर उस पर ताला भी लगा दिया। ठीक है जी, अब हम इस पर बात करें।